नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर तन्वी सिन्हा। भारत ने चीन के साथ होने वाले स्टील कारोबार को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। एक आधिकारिक सरकारी नोटिस के अनुसार भारत ने कुछ तरह के चीनी स्टील पर 5 साल का एंटी डंपिंग शुल्क लागू कर दिया है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार चीन से फ्लैट बेस स्टील व्हील्स पर $613 प्रति टन का एंटी डंपिंग चार्ज लगाया गया है। दरअसल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज यानी DGTR ने सरकार से चीनी स्टील व्हील्स पर $613 यानी कि करीब 50,867 रुपए प्रति टन लगाने की सिफारिश की थी। बता दें, सरकार के इस फैसले से डोमेस्टिक कंपनियों के नुकसान की आशंका कम हो जाएगी। इसके पहले 13 दिसंबर 2018 को चीन के इन प्रोडक्ट्स पर भारत ने 5 साल के लिए यह ड्यूटी लगाई थी, जिसे अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। इस संदर्भ में स्टील सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि चीनी विक्रेताओं की ओर से संभावित गलत ट्रेड प्रैक्टिस के बारे में डोमेस्टिक इंडस्ट्री की ओर से उठाए गए आशंकाओं के बाद सरकार स्टील आयात पर कड़ी नजर रख रही है। अप्रैल जुलाई क्वार्टर के दौरान साउथ कोरिया के बाद चीन भारत का सबसे बड़ा स्टील एक्सपोर्टर रहा है। चीन ने इस दौरान 6 लाख टन स्टील भारत को बेचा है। यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 62% ज्यादा है। इस दौरान भारत ने चीन से 20 लाख टन फिनिश्ड स्टील इंपोर्ट किया है। यह 2020 के बाद सबसे ज्यादा और पिछले साल के मुकाबले 23% ज्यादा है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है और यह भारत को ज्यादातर कोल्ड रोल्ड कॉइल या शीट एक्सपोर्ट करता है। चलिए डंपिंग क्या है ये भी समझ लेते हैं। डंपिंग का मतलब दरअसल कूड़ा फेंकना होता है। जब कोई देश किसी प्रोडक्ट को उस देश की डोमेस्टिक मार्केट से कम कीमतों पर बेचता है तो इसे डंपिंग कहा जाता है। जैसे कि अगर भारत में स्टील की कीमत 60,000 रुपए प्रति टन है लेकिन और जरूरत के लिए चीन से स्टील इंपोर्ट किया जाता है तो चीन इसे 30,000 रुपए प्रति टन की रेट में दे देता है। इस कंडीशन में कहा जाएगा कि चीन अपने स्टील को भारत में डंप कर रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चीन की लाइट्स और खिलौने हैं, जो काफी सस्ते दाम में भारत में बिकते हैं। डंपिंग से दरअसल होता यह है कि आपको विदेशी प्रोडक्ट्स सस्ते दामों पर मिल जाते हैं, लेकिन इससे हमारी घरेलू कंपनियां उस प्रोडक्ट्स को उसी कीमत पर नहीं बेच पाती है क्योंकि उनकी लागत ज्यादा है। इससे उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होने लगती है और कंपनियां बंद भी हो सकती है। अब एंटी डंपिंग शुल्क भी समझ लेते हैं। ये एक तरह का टैरिफ है जो एक सरकार विदेशी आयातों पर लगाती है। जब कोई देश किसी प्रोडक्ट को उसकी डोमेस्टिक कीमत से कम या प्रोडक्शन लागत से कम कीमत पर किसी दूसरे देश में निर्यात करता है यानी कि डंप करता है, तो डंपिंग को रोकने के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया जाता है। एक ओर जहां भारत ने कार्रवाई की है, वहीं दुनिया के दूसरे देश की ओर से भी ऐसे ही कदमों पर विचार किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय यूनियन न्यू ट्रेड टैरिफ तैयार करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, जो विशेष रूप से चीन से अतिरिक्त इस्पात उत्पादन को लक्षित करेंगे। इससे पहले 7 सितंबर को यह बताया गया था कि नॉन मार्केट प्रैक्टिस से अनुचित लाभ प्राप्त करने वाले आयात पर टैरिफ काफी हद तक शून्य हो जाएगा। हालांकि इन टैरिफ से सटीक दायरे और प्रभावित होने वाले बाकी देशों के बारे में चर्चा अभी भी चल रही है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिजनेस तक।